एग्जाइटिंग सेंट्स इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक नए इत्र के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी बढ़िया और रिफ्रेशेबल और थोड़ा सा डार्क स्मेल वाला है। तो चलिए जानते हैं उस इत्र के बारे में। तो दोस्तों आज मैं उस इत्र के बारे में बताऊंगा। देखिए यह है वो इत्र जिसका नाम है ग्रीन अंबर दोस्तों। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि अंबर होता क्या है। तो अंबर एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजिन होता है जिसके जो रेजिन रहता है उसकी जो खुशबू है वही अंबर की खुशबू होती है, उसी को ही अंबर कहा जाता है। तो दोस्तों उसकी जो खुशबू होती है थोड़ी सी बहुत मतलब कम होती है, इसलिए जो है तो उस सिंथेटिकली कंपाउंडिंग करके जो है तो उसका जो है तो परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो उसका जो इत्र है उसके अंदर इत्र जो बनाया जाता है उसके अंदर जो है तो क्लोज, वैनिला, अलग अलग जो सिंथेटिक और नेचुरल मटेरियल्स का इंग्रेडिएंट्स बोल के यूज़ किया जाता है ताकि जो है तो अंबर का जो खुशबू है तो बेहतरीन बने। और दोस्तों अंबर से जो है तो पहले जो है तो नाइट्रिक एसिड के साथ उसको कंबाइन करके जो है तो उसका सिंथेटिक मस्क भी बनाया जाता था। अंबर का जो यूज़ करके है तो सिंथेटिक मस्क परफ्यूम भी बनाए जाते हैं और वेल में से भी अंबर निकलता था, निकालते थे वेल के स्पर में से। लेकिन क्या हो गया कि उस पर उसकी जो संख्या है वो कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसके शिकार पर बैन कर रखी, इसलिए जो है तो अंबर जो है तो अभी लैबडेनम जो रेजिन नाम का एक रेजिन होता है फॉसिलाइज्ड ट्री से निकाला हुआ, उस से ही अंबर का जो है तो परफ्यूम बनाया जाता है जिसमें वैनिला और एक रेजिन आता है भी दूसरे ट्रीज का उसका यूज़ किया जाता है उसके साथ इंग्रेडिएंट बोलकर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अदर ग्रीन अंबर के बारे में। ये देखिए इस तरह का इसका ग्रीनिश कलर है दोस्तों। इसकी जो खुशबू है फ्रेशनेस के साथ अंबर के इसमें बहुत बेहतरीन खुशबू गया है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन किया गया है इसमें। जो फ्रेशनेस सेंट है जैसा आप मान लो जैसा हॉली बेसिल का थोड़ा सा फ्रेशनेस वाला सेंट आता है उस टाइप से थोड़ा सा अलग सा एक फ्रेशनेस सेंट इसमें यूज़ किया गया है, कंबाइन किया गया है अंबर के साथ। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू है दोस्तों। और ये इसका जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम है दोस्तों ये मैंने यूज़ किया है तो काफ़ी दिनों से यूज़ करा तो लॉन्ग लास्टिंग मेरा टाइम कम से कम 8 से 10 घंटे ये इसका लॉन्ग लास्टिंग टाइम है दोस्तों। और इसके जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, अच्छे से महकता है और किसी का सर भी नहीं उगता, मतलब किसी को बुरी नहीं लगेगी इसकी खुशबू, बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आती है। और मैन एंड वुमेन सुटेबल है, इसको सब यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है दोस्तों। यह मैंने अल्फाइज एरोमेटिक्स से ख़रीदा है, वह अल्फाज एरोमेटिक्स कंपनी का है ये, और इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आप इसे अल्फाज एरोमेटिक्स .in पर जाकर भी खरीद सकते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है कंपनी का, आप उससे कांटेक्ट करके भी खरीद सकते हैं। वैसा मार्केट में आप ढूंढो तो अगर आपकी कंपनी में अल्फाज एरोमेटिक्स का माल आता होगा तो आपको आपके सिटी में जो है तो बड़े कोई परफ्यूम शॉप होगा वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत जगह अवेलेबल है, अगर आप महाराष्ट्र से आउट ऑफ महाराष्ट्र रहते हो तो आपको ये थोड़ा सा इंक्वायरी कर लीजिएगा क्योंकि महाराष्ट्र की कंपनी तो महाराष्ट्र में ज़्यादा सप्लाई है, अदर नॉट आउट ऑफ महाराष्ट्र में सप्लाई है क्या वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप कंपनी से कांटेक्ट करके आप अवेलेबल कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन इसकी खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग टाइम है। और अगर आप कॉटन के कपड़ों के ऊपर अप्लाई करते हो तो कपड़े धोने के बाद भी जो कपड़ों में इसकी थोड़ी बहुत खुशबू रहेंगी दोस्तों। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इत्र है अंबर का ये। और जो दूसरा इत्र आता है अंबर का मुश्क अंबर बोलकर, उस मुश्क अंबर से जो है तो वो सिर्फ मेन सुटेबल होता है क्योंकि उसकी खुशबू थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन ये जो खुशबू है इसकी मेन और वुमेन दोनों के लिए यूजेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है, ये यूनिसेक्स इत्र कहलाता है, बहुत ही बेहतरीन है ग्रीन अंबर। तो चलिए दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।